सन 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट का आरोपी अंडरवर्ल्ड का सरगना दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि दीपिका पादुकोण ने चोरी छुपे अंडरवर्ल्ड डॉन से मुलाकात की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दीपिका पादुकोण को अंडरवर्ल्ड डॉन से मिलना पड़ा? तो बात यह है कि दीपिका ने अपनी आने वाली हॉलीवुड मूवी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से पैसा लगाने के लिए कहा था। इस मूवी में दीपिका हॉलीवुड के जाने माने एक्टर टॉम क्रूज के साथ नजर आने वाली हैं। बांग्लादेश के एक साप्ताहिक अखबार की खबर के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का दोस्त अजीज मोहम्मद भाई भी इस मीटिंग में मौजूद था। दीपिका पादुकोण हॉलीवुड मूवी के डायरेक्टर के साथ दाऊद इब्राहिम से दुबई में मिली थी। इस हॉलीवुड मूवी की कहानी भारतीय मूल की एक अमेरिकी लड़की पर आधारित है जो किया की एक एजेंट के रूप में एक बेहद खतरनाक मिशन पर जाती है। खबरों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम इस फिल्म में पैसा लगाने से हिचक रहा था, लेकिन अपने दोस्त अजीज मोहम्मद भाई के कहने पर दाऊद इब्राहिम दीपिका की इस हॉलीवुड फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो गया। और इसी के साथ ही अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम ने भारतीय सुंदरी दीपिका पादुकोण के लिए हॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए हैं। खैर, इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड फिल्मों में देखना उनके चाहने वालों के लिए किसी खुशखबरी से कम से नहीं है।